नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं रात के 9 बजे, और मैं आपको दिखाती हूँ, कुकी का मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि आज उसे कोई घुमाने नहीं ले गया। जब उसका मूड ऑफ होता है तो ये ऐसे लेट जाता है और मुझे कह रहा है, मैंने घुमाने वर्ड बोला ना अभी, इसको समझ में आ गया कि मैं कह रही हूँ घुमाने नहीं ले गया कोई। ये देखिए, देखो अभी ले जाएगी ना, तुम ले जाओगे, तुम कुकी को ले जाओगे अभी? हैं, ले गए थे तुम? अच्छा, तुम तो गए थे, फिर क्यों दोबारा क्यों जिद कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं कि तुम घूमने भी गए थे। हाँ बेबी, तो आज हमने खाने में बनाया है लौकी की सब्ज़ी, मैं आपको दिखाती हूँ। ओ, हमने बनाई है लौकी की सब्ज़ी, पर रॉबिन ने रिजेक्ट कर दी है। लौकी और आलू की सब्ज़ी है, मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है। रॉबिन अपने लिए बना रहा है पास्ता, पास्ता पूरा पैकेट बनाएगा, पूरा बताओ ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा अच्छा रखा हुआ है, और उसमें ये बालर डाल रहा है। तो दोस्तों, जब तक रॉबिन की मैक्रोनी उबलती है, मैं आपको उसके कुछ करे हुए अच्छे काम भी दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक पेंटिंग है जो रॉबिन ने बनाई थी जब वो 9th क्लास में था, और एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये वाली पेंटिंग देखिए आप, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब तो दोस्तों उबल गई मैक्रोनी, हाँ नहीं अभी तो नहीं बॉयल हुई, कहाँ तो पानी। वो अभी ये बना रहा है इसका सॉस, ये क्या है? ये है बटर, अमूल का बटर है, इसे डाल दिया कढ़ाई में बटर। इतना सारा यार, इतना सारा बटर पड़ता है, कोई ज्यादा डाल दिया, थोड़ा ज्यादा हो गया। ओ, पानी भरा गया उधर से। ओ हो 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 हो, ये क्या हो गया? कर रहा दो, अपने आप रुक जाएगा। नहीं, सरसों का तेल नहीं, रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। हाँ, रिफाइंड ऑयल में, या फिर जैसे आधा बटर आधा रिफाइंड ऑयल, पर हमारे पास रिफाइंड ऑयल नहीं है, हमारे पास सरसों का, इसलिए मैं बटर बटर यूज़ करता हूँ। हाँ नहीं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं रॉबिन, उसको पहले गर्म करके ठंडा कर लो, उसकी स्मेल उड़ जाती है। वो अलग से करके होगा तो ना। चलो स्पून लूंगा मैं, और इसमें मैं जरा आधा कटोरा प्याज डाल दूंगा। प्याज से ना थोड़ा सा वो आ जाती है, अच्छी स्मेल भी आती है और एक फ्लेवर भी आ जाता है इसमें ओवरऑल ना सॉस में। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा ही, कि मतलब कलर ना आए प्याज पे, वैसे ही रखना ट्रांसपेरेंट 10 से 15 सेकेंड। और अब ये डाल रहा है मैदा, और अब हम इसमें मैदा डालना शुरू कर देंगे। मैंने तभी मैं दिखाता हूँ कि लास्ट में ना उसका एक ना थिक सा वो बन जाता है, उसका थिक ही नहीं मतलब बहुत हार्ड सा वो बन जाता है, जैसे गाढ़ा होता जा रहा है ना, जैसे धीरे धीरे करके इस तरह को गाढ़ा करना है। पानी पानी सा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। इस सॉस का ऐसा है कि ना, जैसे कि अगर जैसे ज़्यादा बन गया सॉस मान लिया, तो ना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब यूज़ करना है। हाँ, उसी साई के साथ यूज़ करना है सारा, आप रख दो सॉस को, अगले दिन यूज़ कर। मिल्क मैदा बटर ये 3 इंग्रेडिएंट्स है इसके, बेसिक इंग्रेडिएंट्स मिल्क है माया। हम इसमें ना थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने मतलब टेस्ट के अनुसार। देखिए ब्राउन हो गया बढ़िया से, और हम इसमें मिल्क ऐड करना स्टार्ट करेंगे एक साथ, नहीं थोड़ा डाल देंगे दूध, थोड़ा सा दूध डाल। मिक्स कर रहे हैं थोड़ा, और दूध डाल रहे हैं, और दूध डाल रहे हैं। दोस्तों भार्गव आ गया है,
और इसका रिएक्शन देखिए, नमस्ते हो गई, नमस्ते भैया को पार कर दो, किचू कर दो, ये देखिए बॉल खेल लो उसके साथ यार। तो दोस्तों ये मैक्रोनी उबल गई थी और पानी से धो लिया था, ठंडे नहीं गर्म पानी से नहीं धोया, नहीं थोड़ी कच्ची सी थी ना तो मैंने पकनी दी। देखो देखिए ये गल गई है, तो डाल रहे हैं अब इसमें सॉस में जो हमने बनाया था, तो बहुत सारी हो गई और बर्तन छोटा हो गया हमारा, दो वहाँ पे भी रह गई हैं, वो दो रह गई हैं, लेके आओ उनको। अब कैसे मिक्स करें, गैस नहीं चलानी है तो ठंडी होगी क्या, ठंडी खानी है नहीं, मैक्रोनी भी ये सॉस बचा दिया इनके, सभी में थोड़ा सा डाल रहा था, देखते हैं क्या होता है। और ब्लैक पेपर तो डालती काली, अच्छा इसने इसमें ये भी डाली है दोस्तों, तो इसने बताया नहीं क्या है, काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर का पाउडर, हाँ काली मिर्च का पाउडर है ये, इसने इस पर छिड़का है, छिड़काव किया है। और क्या डाला है, ये भी डाला है दोस्तों, ये क्या है, ये इसे कहते हैं ओरेगानो, ओरेगानो दिखा दो, ओरेगानो इटालियन सीजनिंग। तो दोस्तों बर्तन छोटा था तो हमने बड़े बर्तन में डाल लिया इसको और मिक्स कर रहे हैं, और ये आप टेस्ट करो, पापा को टेस्ट कराएगा अपने, लेके आओ एक बाउल में। तो दोस्तों मैक्रोनी बन गई है और अब हम उसे खाएंगे, और आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।